हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी आई की अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी आई की अभिषेक में। और जैसा कि आपको पता होगा, मैंने करंट इंडस्ट्री ट्रेंड की एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं ऑलरेडी 8 जो वीडियोज हैं अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज 9th वीडियो और ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। और आपको मैं ये सीरीज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप करंट इंडस्ट्री ट्रेंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हमेशा जुड़े रहें। अगर आप डेली इसके क्वेश्चन देखते रहेंगे मेरी वीडियो से 10 मिनट भी, तो आपको क्या होगा, इस टाइप के टॉपिक्स जो होते हैं ये आप लोग मतलब नॉर्मल नहीं पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के टॉपिक्स आपको कराता रहूँ ताकि आपको जो है प्रिपरेशन में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और इस टाइप का अगर पेपर में कोई भी रीएस का आपको पता होगा 10% का वेटेज है, ठीक है, तो 10% का वेटेज भी कम नहीं होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके आप क्वेश्चन बस देखते रहें और इसको बस सीखते रहें, आपको हो सकता है धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट अपने अंदर आएगा। और फ्रेंड, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी टाटा स्टील से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुका हूँ। जिन्होंने भी नई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो जो है मैं लगातार जो अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचेस की जो है वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ब्लाइंड बिना देरी करते हुए हम जो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले एमसीक्यू पे। देखिए, पहला एमसीक्यू कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट कैन बी, देखिए किसी भी एजेंट की जो परफॉर्मेंस होती है हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसे सिखाकर। सीधी सीधी बात है, लर्निंग करा का मतलब कहीं आप कोई भी एजेंट होगा उसकी आप किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, उसको कुछ सिखाकर, लर्निंग करा कर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एक्सटर्नल एक्शन ऑफ द एजेंट इज सिलेक्टेड बाई, मतलब किसी भी एजेंट का जो एक्सटर्नल एक्शन होता है तो उससे किससे होता है, तो यहाँ देखिए उसकी परफॉर्मेंस से, ठीक है, उसके एक्सटर्नल एक्शन किससे चेक होता है, परफॉर्मेंस से। द एक्शन ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन, मतलब एक एक्शन जो होता है सिंपली रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, करंट परसेप्शन पे, ठीक है, किस पे, करंट परसेप्शन। देखिए ये जो आप एजेंट आ रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, एजेंट से मतलब ये मत समझिए किसी वैसे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेन क्वेश्चन है। तो देखिए, द एक्शन ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन, तो किस पर डिपेंड करेगा, करंट परसेप्शन, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अप्रोच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा अप्रोच हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखिए, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल करेक्ट, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल करेक्ट, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों ही जो ऑप्शन है आपके करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन, मतलब एक आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखिए हमेशा जो होता है कॉन्जेंटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच होती है, ठीक है, कौन सी, कॉन्जेंटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, कॉन्जेंटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए द फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है ये किस पे बेस्ड होता है, तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो बेस्ड होता है वो अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होता है, ठीक है। देखिए, फेस वाला जो था अप्लाइड पे है और आर्टिफिशियल न्यूरल मतलब न्यूरल जो नेटवर्क है वो किस पे है, कॉन्जेंटिव पे, और फेस वाला किस पे है आपका, अप्लाइड आर्टिफिशियल सिस्टम पे, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक चेस इंजन, अब देखिए चेस का इंजन, देखिए अब ये स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल सिस्टम पे, देखिए जो गेम्स का होता है, लर्न गेम्स वगैरह का होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल सिस्टम पे जो ये बेस्ड होता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग वाले पता गया, कंजेटिव भी पता गया, अप्लाइड वाले तीनों को मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए। देखिए, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ द इंटेलिजेंट एजेंट, देखिए ह्यूमन तो इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने तो रोबोट बनाया, तो रोबोट ऑब्वियसली बट इंटेलिजेंट है, और ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट, ऑटोनोमस आ गया यानी खुद से स्पेसक्राफ्ट, तो तीनों ही जो है ये एक स्पेशल एजेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, आपको बताना चाहिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंप्यूटर का मतलब एक पूरा दिमाग होता है, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो अर्थमेटिकल लॉजिक यानी ALU और दूसरा CU यानी कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर हेड, देखिए आपको बताना चाहिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो थे वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए गए थे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आपके जो लगाए गए थे वो आपके जो थर्ड जनरेशन में आए थे जो आपके सिलिकॉन चिप लगाई गई थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद सिलिकॉन चिप फिर प्रोसेसर वगैरह लगाए गए थे। इस तरीके से आपके जो जनरेशन के हैं, जनरेशन जैसे जैसे बढ़ गई, और इस समय तो आपको पता ही होगा फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो पूरा वर्क हो रहा है, सारे रोबोट वगैरह जो इसी पे चल रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, देखिए वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा, समिट, आपको दिखाता हूँ मैंने इसके संग, देखिए ये जो मैंने इमेज इसके संग ऐड कर दी ताकि आपको पता रहना चाहिए, देखना चाहिए कम से कम वर्ल्ड का कैसे होता है। तो ये देखिए मैंने ये IBM कंपनी ने बनाया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा IBM, और देखिए कितना बड़ा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है सुपर कंप्यूटर है, सबसे लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है। देखिए, व्हाट, वेयर इज द रैम लोकेटेड, देखिए रैम कहाँ पे लोकेटेड होती है, मदरबोर्ड में। ये देखिए आपने देखा ही होगा कंप्यूटर या PC के अंदर ये मदरबोर्ड होता है, इसमें स्लॉट बने हुए रहते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसी में क्या होती है रैम जो होती है आपकी फिट करी जाती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए।
टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर और टेलीफोन। तो आपको पता ही होगा जो वायर और टेलीफोन के ऊपर होता है वो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो हमारी लाइन आती है घरों में आपने देखा होगा जो कि इंटरनेट के थ्रू लाइन आती है, उसे क्या कहते हैं DSL लाइन, इसे कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट मूवीज एंड इमेजेस एंड फोटोग्राफ ETC आर स्टोर, मतलब किसमें स्टोर करे जाते हैं, फाइल सर्वर में। ठीक है, वेब सर्वर में नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, डॉक्यूमेंट मूवी इमेजेस और फोटोग्राफ को फाइल सर्वर में स्टोर करेंगे। देखिए इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर प्रत्युष, इसकी मैंने इमेज इसके संग ऐड कर दी, आप देख सकते हैं ये जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ, ये क्या है, ये प्रत्युष। देखिए प्रत्युष का मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया, ये इस तरीके से प्रत्युष जो है आपका सुपर कंप्यूटर है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम, तो रैम को आपको रैम में पता ही होगा आपको कौन सा सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज कराया जाता है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखिए फेसबुक टैकल बिग डाटा विद, देखिए फेसबुक टैकल जो बिग फेसबुक का सबसे बड़ा बिग डाटा इस समय फेसबुक हैडूप है, तो ये किसके प्रोजेक्ट प्रिज्म के थ्रू जो होता है, ये आपका जो है, ये मैंने क्वेश्चन एक बार पहले भी कराया है, इस मारे कराया था कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो फेसबुक टैकल बिग डाटा विद किसके बेस पर, प्रोजेक्ट प्रिज्म के बेस पर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर जो तो फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कंसर्न ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, सिक्योरिटी। ठीक है, क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन, सिक्योरिटी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करा जो कि करंट इंडस्ट्री टाइम में मुझे लगता है कि जो एक पर्पस है, मतलब एक अच्छा, मतलब आपको सिखाने का कि करंट इंडस्ट्री टाइम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर, ये सब करंट इंडस्ट्री का ट्रेंड है, यही सब जो है टोटल इंडस्ट्री में आजकल वर्किंग में चल रहा है। तो फ्रेंड इसी के साथ फिर मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और फिर मैं इसी के साथ एक नई सीरीज में जो स्टार्ट करी है इसी में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊंगा आपके साथ।